प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। अतः शिव सूत्र, अब हम शिव सूत्र देखते हैं। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ शुभ जरूर घटा है, पर मन का ऐसा स्वभाव है शुभ को छोड़ देते हैं, जो नेगेटिव बात है, नकारात्मक जो चीजें हैं उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। देखिए, 10 अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाएं, एक गाली दें, तो किसको आप पकड़ के बैठते हो? हाँ, हमारा चित्त का स्वभाव ये हो गया, हम नकारात्मक को पकड़ के बैठते हैं। आप इस स्वभाव को बदलें तो शिव सूत्र को पकड़े, एक शुभ हुआ है जीवन में, उस शुभ को पकड़ के चले आगे। तो इस तरह से सत्य है, जो शिव है, जो शुभ है, जो सुंदर है, उसके जरिए हम संसार सागर को पार लगाने का एक विधि है शिव सूत्र में। तो सबसे पहला सूत्र है, भगवान शंकर कहते हैं, चैतन्य आत्मा। आत्मा को खोजने बैठे हो, आत्मा कोई वस्तु नहीं, कोई दूर नहीं है, जिससे सब कुछ बना है उस चैतन्य ही आत्मा है। और हमें अपना अनुभव होना हो तो चैतन्य हो तभी हो सकता है। चैतन्य को ही ये शक्ति है जो अपने आप को जान पाए, खुद को जानने की शक्ति सिर्फ चैतन्य को ही है। जहां चैतन्य की वृद्धि हुई तो होश भी बढ़ गया, वहां जागृत व्यक्ति में ही चैतन्य है और सोया हुआ व्यक्ति में भी चैतन्य है, मगर फर्क इतना है, जागृत व्यक्ति जानता है, सोया हुआ व्यक्ति नहीं जानता है। चैतन्य आत्मा सबसे पहला सूत्र है। और इस प्रकृति में देखोगे तो कण कण में चैतन्य है, मगर उस कहीं कहीं वो चैतन्य सोया हुआ है, इस उसका अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं है, कहीं कहीं उसका अभिव्यक्ति अधिक है। इतना जान करके ही व्यक्ति अपने लक्ष्य पे पहुंच सकता है, जो स्वात्मानंद प्रकाश वपुष, आनंद के प्रकाश रूपी हमारी चेतना। चैतन्य आत्मा, और सारी साधनाएं, क्रियाएं, यज्ञ, हवन, होम, दान, पुण्य, सब कुछ चेतना की वृद्धि के लिए, चेतना को बढ़ाने के लिए। चेतना को बढ़ाओगे तो आत्म साक्षात्कार होने लगेगा, ताकि चैतन्य ही आत्मा है। चेतना को बढ़ाना कहना भी दोष है, ताकि चेतना ना बढ़ता है ना घटता है, चेतना व्याप्त है मगर उसके प्रति ज्ञान बढ़ता है या घटता है, उसका अनुभूति बढ़ती है या घटती है। अगला सूत्र है ज्ञानाधिष्ठान मात्र का। ज्ञान किसी भाषा के जरिए ही
समझ में आती है। अनुभूति को हम जब ज्ञान के रूप में परिवर्तन करते हैं तो वो ये किसी ना किसी भाषा के रूप में ही हो सकता है। कोई शब्द पद बनता है, पद वाक्य बनता है, वाक्य से हमें ज्ञान होता है। तो ज्ञान का मूल क्या है? अक्षर, अक्षर से पद, पद से वाक्य। अब जब कोई चिंता आपको सताती है तो वो चिंता किसी वाक्य या पद के बिना हो ही नहीं सकता, किसी भाषा के बिना चिंता नहीं कर सकता। अब जो ज्ञान जो बंधन हो गया हमको, जो ज्ञान जो चिंता हो गई है, यह ज्ञान जो अनुभूति के अहंकार हो गया है, इससे मिटना, इससे अलग होना कैसे, इसको कैसे मिटाना? ज्ञानाधिष्ठान मात्र का देखा, ज्ञान बंधन है, इस बंधन से कैसे छुटकारा पाए? तो ज्ञान का जो वाक्य है, वाक्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। कोई चिंता होना हो या किसी जानकारी के लिए भाषा की जरूरत है, शब्द की जरूरत है। वो शब्द को भेद करते हुए, शब्द के भेद में वो अक्षर जो मिलता, अक्षर तक पहुंचे, वो मातृशक्ति है, दैवी शक्ति है। उसके सहाय से हम तर सकते हैं, चिंता से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मंत्र को भी कहा है मनना त्रायते इति मंत्र। मंत्र वही है जो शब्द जिसको बार बार मन में दोहराने से चिंता रूपी जो भाषा या वाक्य थे उससे हम मुक्त हो सकते। यह एक उपाय है। चिंता किसी वाक्य से होती है तो वो वाक्य को ही लेके बैठे, उस चिंता को ही लेके बैठे, उस चिंता को तोड़ते जाना। जैसे बेटे को नौकरी नहीं लगी है, ये एक चिंता मन में जा रही है, तो उसी को लेके बैठे, बेटे को एक एक पद को, वो चिंता बहुत तेजी से होती है, मगर उसको धीरे धीरे करते जाएं तो मन उस वाक्य से, जो उस शब्द से जिससे हटक गया, उससे हट करके फिर ध्यान में जाने लग जाएगा। नहीं तो ध्यान के लिए बैठते हैं, कितनी बार वो चिंता को हटाने की चेष्टा करते हैं, वो हटती नहीं। चिंता को ही लेके उसी की मूल में, मात्रा में चले जाएं, शब्दों से उसके अर्थ और शब्दों को भेद करते चले जाएं। ज्ञानाधिष्ठान मात्र का, तब भी ध्यान में गति होने लग जाती है हमें। फिर शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा, शरीर में जो शक्ति के केंद्र है वहाँ पर ध्यान लगाते लगाते फिर मस्त हो सकते हैं। अगला सूत्र है उद्यमो भैरवा। शरीर और मन अलग अलग नियमों पर चलते हैं, जिसे जितना आप ताकत लगाओगे, एक्सरसाइज करोगे, व्यायाम करोगे, उतना शरीर पुष्ट तष्ट पुष्ट होने लगता है, मगर मन के लिए एक अलग ही ढंग है। जितना तुम विश्राम करोगे उतना ही मन तीक्ष्ण होने लगेगा। उद्यमो भैरवा,
ये विलक्षण सूत्र है। पुरुषार्थ हम जहाँ नहीं करते हैं वहाँ पर ना साधना सिद्ध होती है ना संसार में किसी काम सिद्ध होता है, इसलिए हमें पूरा वहाँ प्रयत्न करना पड़ेगा। पूरा प्रयत्न करो, ऐसा नहीं भगवान की इच्छा जब होए तब हो जाएगा, ये नहीं। आपके मन में किसी बात की इच्छा उठी, वो भगवान की वही दरिया ही उठी है, उसके लिए उद्यम करो। हम अक्सर क्या करते हैं, बचने की चेष्टा करते प्रयत्न से, उद्यम से। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, ये कहा गया कि जो उद्योगी है उन्हीं को भाग्य प्राप्त होता है, आलसी को भाग्य नहीं प्राप्त होता। उद्यम हो भैरवा, इसके लिए प्रयत्न करना। प्रभु ने उंगलियां दिए हैं मगर इसको प्रयोग कैसे करना, इस सितार बजाना हो तो कैसे बजाएं, उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। कंप्यूटर में टाइप करना हो तो उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। कुछ भी करना हो तो अभ्यास की जरूरत है, आध्यात्मिक या पारमार्थिक। सांसारिक काम में भी और आध्यात्मिक में भी हम अपना प्रयत्न जारी रखना पड़ेगा। उद्यमो भैरवा, जब हम अपनी पूरी एफर्ट लगा देते, ताकत लगा देते, उसके बाद जब विश्राम मिलता है तब समाधि लगती है। आलसी व्यक्ति को कभी समाधि नहीं लग सकती, इसलिए सेवा साधना सत्संग तीनों जरूरी है। सत्संग, सेवा और साधना। हमको यदि ध्यान नहीं लगता है, मन शांत नहीं होता, इसका कारण है रजोगुण बढ़ गया। अब रजोगुण को किसी काम में जब तक नहीं लगाते हैं तब तक वो रजोगुण चिंता के रूप में परिणित हो जाता है। तो उद्यम करो, प्रयत्न करो, कार्यरत रहने से, काम करते रहने से फिर वो रजोगुण शांत होने लगता है। जो करने का मन है वो करके शांत हो जाए, जो नहीं करना है उसको छोड़ के शांत हो जाए, तो रजोगुण की जो प्रवृत्ति है काम करने की वो पूरी तरह से अपना एफर्ट लगाने से, उद्यम करने से वो सतोगुण में पहुंचा देती है। इसलिए उद्यमो भैरवा सूत्र कहा गया है। बैठ नहीं पाते हो, मस्ती में नहीं डूब पाते हो, मस्त नहीं हो पाते हो तो उद्यम करो साधना सेवा सत्संग के द्वारा, फिर तुम लौट के अपने स्वभाव में आ सकते हो। स्वात्मानंद प्रकाश हो कुछ स्वभाव जो आनंदमय ज्ञानमय प्रकाशमय स्वभाव है, उसमें फिर टिकने में आसान होएगा। इसलिए खाली जो बैठे रहते हैं उनको नहीं होता, जो उद्यमी हैं फिर बैठते हैं फिर उनको अच्छे से समाधि लगने लगती है, शिव तत्व में फिर प्रविष्ट होने लगता है। अगले सूत्र में बताते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदे तुर्या भोग संवित। अब तीन अवस्था तो हम सब जानते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और नींद की अवस्था। तीनों अवस्थाओं के बीच में कुछ क्षण ऐसे मिलते हैं हमें जहाँ हम ना जाग रहे हैं ना सो रहे हैं, ना सपना देख रहे हैं ना नींद में जा रहे हैं। ऐसी जो क्षण के लिए, क्षण भर के लिए जो अवस्था होती है वही है तुरिया अवस्था, वही शिव अवस्था। तो यदि उस अवस्था पर भी यदि हम ध्यान दे देते हैं तो वही फिर समाधि लगने लगता है, चिंता से मुक्त होने लगते हैं, फिर वो भालपन जो हमारा स्वभावगत है वो निखर आने लगता है।
फिर वो पल फल श्रुति है सूत्र की, स्वात्मानंद प्रकाश होकर वहां पहुंचते हैं। तो शिव तत्व को खोजना तो कहाँ खोजना है, कैलाश पर्वत में नहीं है। शिव तत्व को खोजना हो तो जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के बीच में खोजो। और अभी नींद से जग रहे हैं, जग गए हैं और पूरी तरह से जागे नहीं, उस वक्त आंख बंद करके ऐसे तल्लीन हो जाए, ध्यान में थोड़ी देर बैठो, जहां मन विचारों से मुक्त होके शांत गहराई पे उतरती है, वो चैतन्य सत्ता, वो चैतन्य आत्मा, वो तुरिया भोग संवित चतुर्थ अवस्था का जो अनुभव है, ये तीनों के बीच बीच में उपलब्ध होने लगता है।